फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, पता है आप नीट का रिजल्ट आ चुका है और नीट के रिजल्ट में जो बच्चों के मार्क्स है उससे सबकी आंखें फटी रह गई है। बच्चे बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ है, उसका क्या होगा? तो MBBS की फाइनल कट ऑफ क्या होगी, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? काफ़ी बच्चों के इसमें कमेंट्स आ रहे हैं। सो गाइस, जो पहला प्रेडिक्शन जो हमने पहले भी बताया था, सर्वे में बताया था कि बच्चे ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि लगभग 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 बच्चों ने बोला है, क्या वो सारे AIR 1 आएंगे? इस हिसाब से क्या क्राइटेरिया है? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 720 आउट ऑफ 720 काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से होगा। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, टॉपर्स से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। आप बोल रहे हो कि 720 आउट ऑफ 720 इतने बच्चों के हो गए तो हमारा क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बोला, AIQ की रैंक भले ही आगे पीछे हो जाए, बट आपका जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली। मुश्किल से 10 या 15 नंबर चेंज होने की ज़रूरत है। आप इसमें टेंशन मत लीजिए, किसी की हाइप में मत आइए। अब काफ़ी बच्चों ने इस पर मार्क्स पोस्ट किए कि 700 नंबर पर लगभग 2200 के आसपास रैंक आ रही है, 685 जिस बच्चे के मार्क्स उड़ रहे हैं उसकी 6700 आ रही है, 675 जिस बच्चे के उसकी 11600 रैंक आ रही है। उसके साथ साथ बच्चों ने ये भी बताया कि जैसे कुछ बच्चों की रैंक थी 711 बच्चों के मार्क्स थे, तो 711 रैंक पे 326 बच्चों की रैंक आई। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 711 से ऊपर लगभग 326 बच्चे हैं, तो मतलब 26 बच्चे फर्स्ट वाले हो गए, 720 वाले हो गए, तो लगभग 300 बच्चे हैं 700 से 711 में। तो दोस्तों, ये तो मैंने आप, अगर आप इस रिजल्ट को आप पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करके देखिए, अगर आप पिछले साल भी इस रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो लगभग आई थिंक 80 के आसपास बच्चे ऐसे थे लास्ट ईयर भी जिनके मोर देन 700 मार्क्स थे। तो उसमें आप ये मत देखिए कि ये जो 700 प्लस वाले बच्चे हैं ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कट ऑफ आपकी स्टेट की, आपके स्टेट में आप कहाँ स्टैंड करते हो वो डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि जिन जगह पे पेपर लीक हुआ है वहाँ पे बच्चों के अच्छे स्कोर्स आए हो, राइट? क्या जिन जगह पे ऐसा हुआ हो कि इस पे आपको परसेप्शन से लेके जरूरत नहीं है, आपको अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। ये तो AIQ जो 15% कोटा पे है, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि 700 कट ऑफ जाएगी, 680 जाएगी, ये सब हाइप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन कट ऑफ। जैसे कि आप देख रहे हैं 711 पे कुछ बच्चों की 326 रैंक आई है, एक बच्चे की 609 नंबर आया है उसकी 70512 हो रही है, बोल रहा कि मेरा तो होगा ही नहीं। अरे भाई, अपने स्टेट में देखिए कि आपकी कट ऑफ क्या आ रही है। आप AIQ में ऑल ओवर इंडिया को लेके इतने हाई पर क्यों रखे हैं? एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 560, उसकी रैंक आई है 1,28,000, लेकिन इस पर आप अपने स्टेट में देखिए कि आपके स्टेट में आप कितने आगे पीछे। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स में, जो भी मैंने कमेंट करवाया था, जो भी मैंने सर्वे कराया था, उस हिसाब के दूसरे स्टेट में बच्चों के ऑन एन एवरेज मार्क्स ही हो रहे हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि इस बार जो नीट की कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की कंपेरिजन में 15 नंबर ऊपर चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीधी ही 100 नंबर ऊपर चली जाएगी और बच्चे इसको परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे फिर बोला, कोई भी ऑनलाइन काउंसलर जो आपसे पेड लेके कोई 10,000 रुपये ले जाएगा, कोई 5,000, उसके चक्करों में नहीं पड़ना है और अपनी काउंसलिंग पे फोकस करना है। आपको मैं फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लूँगा। बस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब आपकी काउंसलिंग हो तो आपको कौन सा कॉलेज लेना है। जो भी लोग आपको पेड काउंसलिंग करके कस्टमर केयर बिठा के कर रहे हैं, मैं उनसे आपसे सजेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये सब फेक लोग हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।